हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर हाउ वॉटसन लर्न द ट्रिक, इंग्लिश बुक गुजरात बोर्ड ग्रेड 12 से। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, यू मे बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अ प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। आपकी बहुत इच्छा होगी कि आप एक ऐसे प्रोफेशन को चुने जो आपकी खुद का पसंद का हो। अकॉर्डिंग टू यू विच क्वालिटीज विल मेक यू द बेस्ट पर्सन इन दैट प्रोफेशन। अब आपके अनुसार कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप उस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं? नरेटेड टू द क्लास। आपको ये बात अपनी क्लास में बतानी होगी कि अगर आपसे कहा जाए इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज करिए तो क्या आप में वो क्वालिटीज हैं? क्या आपको लगता है कि इसको अपनाने के बाद आप उसमें खुश रह पाएंगे? इंट्रोडक्शन। सर आर्थर इग्नेशियस कैनन डॉयल, ये जो है एक स्कॉटिश राइटर और फिजिशियन थे, is best known for creating the fictional detective Sherlock Holmes। और ये इसलिए famous थे क्योंकि इन्होंने जो है एक काल्पनिक detective book Sherlock Holmes जो है उसको लिखा था। He is recognized as a reputed contributor to the genre of crime fiction। इनको इसलिए माना जाता है, ये इसलिए भी famous है क्योंकि इन्होंने काफी contribution दिया है, काफी योगदान दिया है crime fiction यानी जो काल्पनिक क्राइम की घटनाएं होती हैं, उसको लिखने में, उसको क्रिएट करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हाउ वॉटसन लर्न द ट्रिक इज अबाउट डॉक्टर वॉटसन अटेम्प्टिंग टू डेमोंस्ट्रेट टू होम्स हाउ ही हैज लर्न द लेटेस्ट सुपरफिशियल ट्रिक ऑफ लॉजिकल डिडक्शन। ये जो चैप्टर है हाउ वॉटसन लर्न द ट्रिक, इसमें जो डॉक्टर वॉटसन है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो होम्स हैं उन्हें ये बात दिखा सकें कि किस तरीके से उनको पता है कि वो जो हैं अपने रीजनिंग के बेसिस पे अपने दिमाग से जो हैं वो ये पता कर लेते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है, क्या उसके मन में चल रहा है। रीड ऑन टू फाइंड आउट अबाउट एवरी सिंगल वन ऑफ वॉटसन डिडक्शन। अब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा और जानना होगा कि ये जो वॉटसन आइडिया लगा रहे हैं, ये अपनी ट्रिक जो है इसको प्ले कर रहे हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है बाहरी सरफेस से पता करना, जैसे चेहरा देख के आइडिया लगा लेते हैं या आपके हाव भाव देख कर आइडिया लगा लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप उस तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वॉटसन के डिडक्शंस हैं, वॉटसन के जो कंक्लूजन हैं, जो जिस नतीजे पे वो पहुंच के बता रहे हैं, वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। हाउ वॉटसन लर्न द ट्रिक, ये हमारा चैप्टर है। वॉटसन हैड बीन वॉचिंग हिज कंपेनियन इंटेंटली एवर सिंस ही हैड सेट डाउन टू द ब्रेकफास्ट टेबल। वॉटसन जो है अपने कंपेनियन को यानी अपने साथी को बड़े ध्यान से देख रहे थे जब से वो आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। होम्स हैपन टू लुक अप एंड कैच हिज आई। अब होम्स जो थे उन्होंने जब एकदम से नजर उठाई तो उन्होंने देखा कि वॉटसन जो है उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वेल वॉटसन व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट ही आस्क्ड। तो होम्स ने पूछा कि वॉटसन क्या सोच रहे हो। अबाउट यू, तो वॉटसन ने कहा तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? यस होम्स, आई वॉज थिंकिंग हाउ सुपरफिशियल आर दीज ट्रिक्स ऑफ योर्स एंड हाउ वंडरफुल इट इज दैट द पब्लिक शुड कंटिन्यू टू शो इंटरेस्ट इन देम। तो वो कहते हैं हाँ होम्स, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी ये जो ट्रिक्स हैं ये कितनी एक्सटर्नल हैं, मतलब तुम कैसे अंदाजा लगा लेते हो और कैसे पता कर लेते हो चीजों के बारे में और कितनी अच्छी हैं कि जैसे पब्लिक जो है वो तुम्हारे में इंटरेस्ट जो है वो दिखाती है कि मतलब तुम जो कर रहे होते हो, तुम्हारी ट्रिक्स जो है उस पे पब्लिक को कितना इंटरेस्ट आता है। आई क्वाइट एग्री सेड होम्स, इन फैक्ट आई हैव अ रिकलेक्शन दैट आई हैव माईसेल्फ मेड अ सिमिलर रिमार्क। तो होम्स कहते हैं मैं तुमसे एग्री करता हूँ, इनफैक्ट मुझे खुद को भी याद आता है शायद मैंने भी एक ऐसा ही रिमार्क तुम्हें भी दिया था या मैंने खुद भी एक ऐसा ही रिमार्क किया था। योर मेथड्स सेड वॉटसन सीवियरली आर रियली इजीली एक्वायर्ड। तुम जो तरीके करते हो, वॉटसन ने कहा, वो बहुत आसानी से कर अपनाए जा सकते हैं। नो डाउट, होम्स आंसर्ड विद अ स्माइल। तो होम्स ने जो है मुस्कुराते हुए कहा इसमें कोई शक नहीं है। Perhaps you will yourself give an example of this method of reasoning. तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है तुम भी जो है इसी तरीके की एक reasoning का कोई example मेरे को दो। With pleasure, said Watson. I am able to say that you were greatly preoccupied when you got up this morning.
तो वॉटसन ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब तुम सुबह सोकर उठे थे तो तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा था। एक्सीलेंट, सेड होम्स, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट। होम्स ने कहा, बहुत बढ़िया, पर तुम्हें कैसे पता? बिकॉज यू आर यूजुअली अ वेरी टाइडी मैन एंड यू हैव फॉरगॉटन टू शेव। तो हो जो वॉटसन थे उन्होंने कहा, क्योंकि तुम जो हो एक बहुत ही सफाई पसंद इंसान हो, लेकिन आज सुबह तुम शेव करना भूल गए। इसका मतलब तुम्हारे माइंड में पहले से कुछ चल रहा था जिसकी वजह से तुम्हें शेव करने का ध्यान नहीं रहा। डियर मी, हाउ वेरी क्लेवर, सेड होम्स, आई हैड नो आइडिया वॉटसन दैट यू वर सो एप्ट अ पीपल। तो होम्स कहते हैं, वाह तुम तो बड़े चालाक हो, मुझे तो पता ही नहीं था वॉटसन कि तुम जो सामने वाला है उसको कितने ध्यान से नोटिस करते हो और बिल्कुल करेक्ट अंदाजा लगाते हो। Has your eagle eye detected anything more? क्या ये तुम्हारी जो चील जैसी आंखें हैं, इन्होंने कुछ और पता लगाया? Yes, Holmes. You have a client named Barlow, and you have not been successful with this case. एक और बात पता करी होम्स मैंने, तुम्हारा एक क्लाइंट है बार्लो, तुम उसका जो केस था वो सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर पाए हो। Dear me, how could you know that? अरे बाप रे, ये तुम्हें कैसे पता चला? I saw the name outside his envelope. मैंने जो है एक एनवेलप पे उसका नाम देखा था। When you opened it, you gave a groan and thrust it into your pocket with a frown on your face. क्योंकि मैंने देखा था जब तुम्हारे पास वो एनवेलप था, तुमने उसे खोला, तुमने थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखा, एक जिसे कहते थे गुस्से से आवाज करी, और फिर अपना जल्दी से उसको पॉकेट में डाल लिया और तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी गुस्सा झलक रहा था। Admirable, you are indeed observant. Any other points? मतलब जैसे कहते हैं ना, भाई वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम वाकई में बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट हो, मतलब ध्यान से देखते हो। कोई और बात पकड़ी तुमने मेरी? I fear, Holmes, that you have taken to financial speculation. मुझे डर है होम्स, शायद तुम्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। हाउ कुड यू टेल दैट वॉटसन? अब उन्होंने कहा, वॉटसन ये तुम कैसे कह सकते हो? यू ओपन द पेपर, टर्न टू द फाइनेंशियल पेज and gave a loud exclamation of interest. क्योंकि तुमने जिस तरह से पेपर खोला और उस पर फाइनेंशियल पेज को देखा, टर्न किया, और फिर तुम्हारी एक जो है जैसे बड़ी इंटरेस्ट वाली चीज जो होती है उसके जैसे रिमार्क तुम्हारे चेहरे पे आए। Well, that is very clever of you, Watson. Any more? ये तो हद हो गई, बहुत चालाक बड़ी बातें कर रहे हो तुम तो, बहुत बढ़िया, कुछ और भी? Yes, Holmes, you have put on your black coat instead of your dressing gown, which proves that you are expecting some important visitor at once. तुमने कहा, हाँ होम्स, देखो तुमने ब्लैक कोट पहना बजाय अपने ड्रेसिंग गाउन के, इसका मतलब क्या है कि तुम किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आने वाला है, तभी तुम रेडी हो। एनीथिंग मोर? और कुछ भी? I have no doubt that I could find other points, Holmes, but I only give you these few in order to show that you that there are other people in the world who can be as clever as you. अब उन्होंने कहा, वैसे तो जो है मेरे को पता नहीं है, मैं और भी पॉइंट्स ढूंढ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं तुमको सिर्फ जो है इतने से पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि ये तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं दुनिया में जो चालाक हैं, जो तुम समझ सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। एंड सम आर नॉट सो क्लेवर, सेड होम्स, आई एडमिट दैट देयर आर फ्यू, बट आई एम अफ्रेड, माय डियर वॉटसन, दैट आई मस्ट काउंट यू अमंग देम। अब होम्स कहते हैं, हाँ पर कुछ लोग उतने चालाक नहीं होते, मैं मानता हूँ कुछ होते हैं, पर मुझे नहीं लगता या मुझे ऐसा लगता है कि वॉटसन मुझे तुम्हें उसमें शामिल करना पड़ेगा जो चालाक नहीं होते। What do you mean, Holmes? तुम क्या कहना चाहते हो, Holmes? Well, my dear fellow, I fear your deductions have not been so happy as I should have wished. अब होम्स कहते हैं कि तुम ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में क्या है, मुझे लगता है जो तुमने मेरे बारे में अभी जो डिडक्शंस किए हैं, एक जो कहते हैं ना दिमाग से तुमने सोच के मेरे बारे में करा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो शायद जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से तुम उतने अप टू द मार्क नहीं हो, तो मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हुआ तुम्हारी बातों को सुन के। यू मीन दैट आई वॉज मिस्टेकन? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को कुछ गलत फहमी हुई है? जस्ट अ लिटिल दैट वे। अब वो जो है बताते हैं कि क्या असली बात थी। I fear, उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे लगता है कि तुम थोड़े से कहीं गलत थे। Let us take the points in their order. अब हम शुरू से शुरू करते हैं, मतलब order wise चलते हैं।
I did not shave because I have sent my razor to be sharpened. मैंने शेविंग आज इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने जो है जो मेरा रेजर है उसकी धार तेज करने के लिए भेजा है. I put on my coat because I have worse luck and early meeting with my dentist. मैंने सुबह सुबह अपना ये जो कोट पहना है वो इसलिए पहना है क्योंकि आज मेरी डेंटिस्ट के साथ मीटिंग है. His name is Barlow and the letter was to confirm the appointment. और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो जो लेटर आया था उसमें जो बार्लो नाम लिखा था वो मेरे डेंटिस्ट का नाम था और वहां से लेटर आया था कि अपॉइंटमेंट आपकी कंफर्म हो गई है. द क्रिकेट पेज इज बिसाइड द फाइनेंशियल वन एंड आई टर्न टू इट टू फाइंड इस्टोरे वाज होल्डिंग इट ओन अगेंस्ट केंट. अब फाइनेंशियल पेज के पीछे ही बिल्कुल जो है क्या कहते हैं क्रिकेट का पेज था तो मैंने उसको इसलिए पलटा ताकि ये जान सकूं कि सूर्य जो है वो केंट के खिलाफ अभी भी खड़े हैं कि नहीं. बट गो ऑन वॉटसन गो ऑन इट्स अ वेरी सुपरफिशियल ट्रिक एंड नो डाउट यू विल सून एक्वायर इट. तो उन्होंने कहा वॉटसन कोई बात नहीं जारी रखो ये बहुत बाह्य तौर की ट्रिक होती है एक एक्सटर्नल जो सरफेस पर होती है मतलब चेहरा देखकर हम आइडेंटिफाई कर लें. ये ट्रिक ऐसी है जो आसान नहीं है पर तुम कोशिश करते रहो बहुत जल्द तुम भी सीख जाओगे. तो ये थी हमारी चैप्टर. आपको अच्छी लगी समझ में आई सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.